गुलाबों से ताबो फेम फारूक जफर का निधन, बनी थी ऑन स्क्रीन अमिताभ बच्चन की बेगम। नमस्कार, मैं गुरलीन और आप देख रहे हैं न्यूज 28। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस फारूक जफर का 88 साल की उम्र में हुआ निधन। इस बात की खबर उनके पोते ने दी। पोते ने बताया कि शुक्रवार 15 अक्टूबर को ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। फारूक जफर के पोते शाज अहमद ने ट्विटर के जरिए यह बताया, मेरे दादी और स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी पूर्व NLC वरिष्ठ अभिनेत्री फारूक जफर का कल शाम 7 बजे लखनऊ में निधन हो गया। हाल ही में कुछ समय पहले फारूक जफर की अमिताभ बच्चन के साथ मूवी आई थी जिसका नाम था गुलाबो सिताबो। इस मूवी में उन्होंने फातिमा बेगम का किरदार निभाया था और इस किरदार को फैंस के बीच में खासा पसंद किया गया था। फातिमा बेगम अमिताभ बच्चन के किरदार मिर्जा की पत्नी थी जो 95 साल की उम्र में अपनी हवेली को बचाने के लिए अपने पुराने आशिक के साथ भाग जाती हैं। फारूक जफर का जन्म 1933 में जौनपुर के जमींदार परिवार में हुआ था। बाद में उनकी शादी एक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी सैयद मोहम्मद के साथ हुई। फारूक जफर ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की और ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी की। अगर बात करें उनकी फिल्मी करियर की तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1981 में मूवी उमराव जान के द्वारा की थी। गुलाबो सिताबो के समेत दर्जने हिट फिल्में भी दी। साथ ही मैं आपको बता दूं, 88 साल की उम्र में फारूक जफर को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 28 के साथ। नमस्कार।